नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की फेमस स्वीट डिश गुड़ की लापसी बनाने जा रहे हैं। किसी भी शुभ प्रसंग में वहां इसे जरूर बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। ये लापसी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। राजस्थानी लापसी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी दलिया लिया है। ये गेहूं का दलिया है जिससे कि हम नाश्ता बनाते हैं। पौन कटोरी गुड़, आधा कटोरी शुद्ध घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये सब ऑप्शनल हैं, अगर आप ना चाहें तो न डालें। 7-8 बादाम, 7-8 काजू, थोड़े से किशमिश और 5 मैंने हरी इलायची ली है। सबसे पहले हम गुड़ को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे और इसे गैस पर हम अच्छे से पिघलने तक उबाल के अलग से रख लेंगे। चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ पिघलेगा इतनी ही देर हमें इसे गैस पर रखना है। अब मैंने गैस पर कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दी है। गुड़ पिघल गया है, एक बार गर्म हो गया है और मैंने उसे उतार के छान के रख लिया है ताकि उसमें कोई भी अगर कचरा है तो वो हट जाए छानने से। घी डाल दिया है, अब इसमें मैं एक कटोरी जो दलिया लिया है इसे डाल दिया हूँ। फ्रेंड्स, मैं दलिया को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ ताकि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो 50-60% के करीब दलिया सेक के रख लेती हूँ। अगर आपके पास कच्चा दलिया है तो आपको सेकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से हमें गुलाबी कलर आने तक सेक लेना है, बादामी कलर, और उसकी अच्छे से खुशबू आने लगेगी तब तक हम दलिया को सेक लेंगे। और ये राजस्थानी लापसी है इसलिए इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लग रहा है, अगर आप चाहें तो इससे भी कम डाल सकते हैं। और ये एक कटोरी दलिया है तो हम 2 कटोरी पानी भी अच्छे से उबाल के रख लेंगे, 2.5 गुना हम पानी ले लेंगे। तो 2.5 कटोरी पानी भी हम उबलने के लिए गैस पर रख देते हैं क्योंकि दलिया बनने के लिए हम उबला पानी ही इस्तेमाल करेंगे। दलिया का कलर एकदम बादामी हो गया है, ये बहुत अच्छे से सीख गया है और इसकी खुशबू भी आने लगी है और इसमें घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स थे काजू और बादाम वो मैं डाल दे रही हूँ ताकि इसी के साथ में ये 1-2 मिनट अच्छे से सीख जाएंगे। और हमने 1 कटोरी दलिया में 2.5 कटोरी पानी उबाल के रखा है, अब हम वो डाल देंगे। ध्यान से डालें, लो फ्लेम पर ढक के अच्छे से पकने देंगे जब तक कि हमारा दलिया अच्छे से सॉफ्ट न हो जाए। तब हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे ढक देंगे। 6-7 मिनट हो गए हैं, हमने इसे ढककर बहुत अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा दलिया का एक एक दाना बहुत अच्छे से दब रहा है, मतलब दलिया अच्छे से गल गया है। मैंने इसे हाथ से दबा के भी चेक कर लिया है। अब इसमें किशमिश और इलायची का पाउडर मैंने इसी में डाल दिया है, उसे डाल देंगे। और गुड़ को छान के रखा है, इसे डाल देंगे। और अब लो फ्लेम पर इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर हम 2-3 मिनट और अच्छे से पकने देंगे। हमने 3-4 मिनट लो फ्लेम पर इसे ढककर हिलाते हुए और अच्छे से पका लिया है ताकि दलिया में अंदर तक अच्छे से मिठास आ जाए। आप देख सकते हैं कि ये ड्राई होने लगी है, थोड़ा थोड़ा इसका गाढ़ापन शुरू हो गया है और ये ठंडा होके थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है और खुशबू से तो पूरा घर बहुत अच्छा महक रहा है। बहुत ही टेस्टी हमारी लापसी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी राजस्थानी लापसी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। राजस्थान में किसी भी शुभ मौके पर इसे बनाया जाता है।
चाहे कोई मांगलिक कार्य हो या कोई भी पूजा हो तो गुड़ की लापसी बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाया जाता है। तो आप भी राजस्थान की इस फेमस स्वीट डिश को अपने घर पर एक बार जरूर बनाइए, टेस्ट कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।